तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे पीरामल फार्मा लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 221.60 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस के पास रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है 213 रुपीज का। इस पॉइंट पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल है। ऊपर में अगर रुकावट रेंज देखें तो वो 213 रुपीज पर है। 213 रुपीज पर स्टॉक के अंदर एक इंपॉर्टेंट रुकावट रेंज देखने को मिल रहेगा। स्टॉक काफी समय से देखें तो एक रेंज बाउंड के अंदर ट्रेड कर रहेगा। तो अगर नीचे में स्टॉक 213 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन करता है, यानी इस प्राइस से स्टॉक नीचे क्लोजिंग बनाता है, तो वहां पर स्टॉक के अंदर और बड़ी मात्रा में बिकवाली देखने को मिल सकती है और स्टॉक नीचे में 190 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट कर सकता है। पर जब तक स्टॉक 230 रुपीज से ऊपर है, स्टॉक के अंदर ज्यादा चांसेस है कि स्टॉक यहां से एक रिवर्सल ट्रेंड बनाता हुआ नजर आएगा, यानी इस पॉइंट पर स्टॉक के अंदर एक खरीदारी देखने को मिलेगी। ऊपर में अगर हम रुकावट रेंज की बात करें तो वो 245 रुपीज है, जो कि स्टॉक का 52 वीक हाई है। जब तक स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोजिंग नहीं लेता, जब तक स्टॉक के अंदर एक फ्रेश तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन बनाए, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया रखें, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा।